प्रीतम कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ड्रीम्स 11 टीम्स में, जहां मैं आप लोगों को ड्रीम 11 की टीमें देता हूं। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने वेस्ट इंडीज़ वुमेन और साउथ अफ्रीका वुमेन के बीच होने वाले T20 मुकाबले के लिए बनाया है, जिसकी डेडलाइन अभी भी 5 घंटे 16 मिनट बाकी है। तो वीडियो आपको लगभग इसी के अप्रॉक्स में मिलेगी, 5 घंटे के अप्रॉक्स में ही मिलेगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मेरी खुद ही अपनी राय मैं आप लोगों से पहले शेयर कर देना चाहता हूँ कि वेस्ट इंडीज़ के बॉलर और ऑलराउंडर बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन्हीं दोनों को मैक्सिमम लें अपनी बॉलिंग में, मतलब कि अपनी बॉलिंग लाइनअप में वेस्ट इंडीज़ के बॉलर ही ज़्यादा भरें, तो वो ज़्यादा सही रहेगा एज़ कम्पेयर टू साउथ अफ्रीका के, क्योंकि साउथ अफ्रीका के बॉलर्स को जल्दी विकेट मिल पाती नहीं है और उनकी बैटिंग लाइनअप पूरी फ्लॉप है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पिछले मैच में भी टेलर ने अच्छी बॉलिंग की थी, मैथ्यूज़ ने अच्छी बॉलिंग की थी। आप यहाँ पे एम कैप की जगह डॉट इन भी ले सकते हैं, बट मुझे एम कैप ज़्यादा अच्छी सही लगी, क्योंकि इन्होंने पिछले अभी तक इस टूर्नामेंट में 7 विकेट ले चुकी है और पिछले मैच में भी इन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दी थी। आप इनकी जगह आप चाहें तो इनको भी ले सकते हैं, इन्होंने भी बहुत अच्छा पिछला मैच में इन्होंने ही रन स्कोर किए थे, क्योंकि साउथ अफ्रीका के 2-3 प्लेयर ही रन स्कोर कर रहे हैं, कि ये कर रही है और एक एम कैप कर रही है, और फिर पिछले मैच में सी टायरोन ने भी अच्छी बैटिंग की थी, उसके बाद एम डी प्रीज ने भी अच्छी बैटिंग की थी, जैसा कि मैंने उनको लिया हुआ है। तो फिर आप यहाँ पे लॉरा को भी प्रेफर कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। और फिर यहाँ पे जहाँ विकेट कीपर की बात आती है, विकेट कीपर में एल की परफॉर्मेंस अभी पूरी वीक चल रही है, बट वो बहुत ही अच्छी बैट्समैन है, इसीलिए मैंने उनको अपनी टीम में लिया है। बट ये जो वेस्ट इंडीज़ की जो प्लेयर हैं उनकी लीग बहुत बहुत ही ज़्यादा सही चल रही है, तो आप उनको भी ले सकते हैं, बट मैं अपनी लीग में इन्हीं को लूँगा, क्योंकि ये ओपनिंग करने के लिए आती है और इनको और जो वेस्ट इंडीज़ की बैट्समैन है उनको बैटिंग करने का बहुत ही कम चांस मिलता है, तो फिर मैं इसीलिए इनको लिया, एल लीज को लिया है। तो फिर इस वीडियो में बस इतना ही। तो फिर और एक बार मैं फिर से आप लोगों को अपनी टीम दिखा देता हूँ। तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी टीम, आप यहाँ पे वाइस कैप्टन में एम कैप को भी बना सकते हैं, मैं ज़्यादा सही रहेगा कि मैं एम कैप को ही बना दूँ, तो फिर आप लोगों को भी ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि हाँ ये देखिए आप यहाँ पे बना सकते हैं। और अगर आप चाहें तो बड़ी लीग में इनके बॉलर को भी कैप्टन वाइस कैप्टन कैप्टन के रूप में प्रेफर कर सकते हैं, तो वो भी ज़्यादा सही रहेगा। तो फिर ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आपको क्या करना है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो का डिस्क्रिप्शन ज़रूर पढ़ें, क्योंकि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही ज़रूरत की सारी चीज़ें हैं। तो फिर धन्यवाद फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, क्योंकि आपके लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है, मैं इसी तरीके की वीडियो आपके पास लाता रहूँगा। तो फ्रेंड्स, लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर भी करें, अपने दोस्तों को बताएं ये सारी न्यूज़। तो फिर इस वीडियो में बस इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए।